नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना ने अपने जवानों की नौकरी में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब जवानों को 2 साल के बाद पेंशन मिलेगी। इससे जवानों में कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं कम। तो दोस्तों, पूरी खबर देखने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई फ्रेश ताज़ा वीडियो की अपडेट उनको मिल सके सबसे पहले। तो आइए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेना में पिछले कुछ समय से सुधारों की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन के आधार पर कार्रवाई भी कदम बाई कदम यानी स्टेप बाई स्टेप हो रही है। अभी कुछ दिन पहले विभिन्न न्यूज पेपरों में और एक प्रेस रिलीज करके बताया गया था कि सेना मुख्यालय का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसको रक्षा मंत्री की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके तहत एक सेपरेट विजिलेंस सेल का गठन होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अधीन। और दूसरा, ये भी डिसाइडेड किया गया कि एक ह्यूमन राइट्स सेक्शन का गठन होगा, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जिसको कमांड करेंगे और वो सीधा का सीधा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अधीन आएगा। और तीसरा दोस्तों, 206 आर्मी ऑफिसर्स को आर्मी हेडक्वार्टर से आर्मी की जो फील्ड यूनिट्स हैं उनमें पोस्ट किया जाएगा, जिसमें 3 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर, 9 कर्नल और 186 लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, यानी टोटल 206 सीनियर ऑफिसर्स को फील्ड यूनिट में पोस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक, सोल्जर्स इन नॉन कम्बैट ब्रांचेस टू गेट 2 एडिशनल सर्विस ईयर्स, यानी कि जो सैन्यकर्मी नॉन कम्बैट ब्रांच में जॉब करते हैं उनको 2 साल एडिशनल सर्विस करनी पड़ेगी। और इस कैटेगरी में कौन कौन सोल्जर्स आते हैं दोस्तों, वो है सोल्जर्स इन वर्किंग विद आर्मी मेडिकल कोर, यानी नर्सिंग असिस्टेंट, ड्राइवर्स और क्लरिकल स्टाफ। इससे लगभग 1 लाख जवानों को फायदा होगा और उनको 2 साल और सर्विस करने के बाद ही अब वो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो जवान कम्बैट यूनिट्स में जॉब कर रहे हैं, यानी जो जवान इन्फेंट्री के जवान हैं, आगे चल के उनके लिए भी 58 ईयर सर्विस करने का प्रपोजल चल रहा है। आर्मी की 7 कमांड से इसके ऊपर उनकी राय यानी ओपिनियन मांगा गया है। दोस्तों, ये खबर आने के बाद जवानों में कहीं नाराजगी है तो कहीं खुशी भी है, क्योंकि जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो खुश हैं, जो जॉब नहीं करना चाहते, जल्दी पेंशन जाना चाहते हैं, वो नाराज हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।